हेलो जी नमस्कार। हमारी चैनल डीपीस किचन वेज एंड वीगन में आप सबका दिल से स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के साथ में बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी, लौकी और मेथी के मुठिया, जो गुजराती डिश है। उसके लिए हमने लिया है 1 कप कद्दूकस करके पत्ता गोभी, 1 कप कद्दूकस करके लौकी, 1 कप बारीक काट के मेथी की पत्तियां, 1 कप गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच बेसन, मसाले में 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हींग। उसके दूसरे मसालों में 1 चम्मच तिल लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट है, 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट है, 1/2 चम्मच खाने का सोडा मीठा सोडा है, 1 चम्मच नींबू का रस है, 1 चम्मच शक्कर है और 2 बड़े चम्मच तेल है। इन सबको हम मिला के एक डाव बनाएंगे और बाद में उससे मुठिया बनाएंगे। एक मिक्सिंग बोल में हम सभी चीजें मिला लेंगे। पत्ता गोभी, लौकी, मेथी की पत्तियां, गेहूं का आटा, बेसन, सारे मसाले, अदरक लहसुन की पेस्ट, गरम मसाला, तिल और जीरा, शक्कर, ऑयल, नींबू का रस, सबको अच्छे से मिला के एक डो बनाएंगे और जो खाने का सोडा है वो आखिर में डालेंगे। इसमें पानी की जरूरत नहीं होती क्योंकि पत्ता गोभी और लौकी में पानी रहता है और हमने मेथी की भाजी भी धो के रखी है तो उसमें भी थोड़ा पानी है, तो ये बन जाएगा। अगर जरूरत होगी तो 1-2 चम्मच हम डालेंगे पानी, वरना हमारा गोभी, लौकी और मेथी के मुठिया का डो रेडी है। हमें उसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगी। अब हम इसके इक्वल पोर्शन निकाल के उसके मुठिया रोल करेंगे और बाद में उसको स्टीम करेंगे। हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे ताकि वो चिपके नहीं और अच्छे से रोल हो जाए। हमारे पत्ता गोभी, लौकी और मेथी के मुठिया के 3 रोल बने हैं। इसे हम स्टीम करेंगे, बाद में इसे कट करके तड़का लगा के सर्व करेंगे। हमने स्टीमर के अंदर 1.5 गिलास पानी डाल के उबाल लिया है। अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और हमने एक छलनी के अंदर ग्रीस करके हमारे जो 3 मुठिया के रोल्स है वो डाल दिया है और अब हम इसे स्टीम के लिए रख देंगे। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम करके 10 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे। देख लेते हैं, टूथपिक से चेक करेंगे, हमारे मुठिया पक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और ढक के 5 मिनट रखेंगे और बाद में बाहर निकाल के उसे ठंडा होने देंगे और बाद में हम उसको कट करके तड़का देंगे।
हमने पैन में तेल गरम करने रख दिया है तड़के के लिए, और हमने हमारे मुठिया जब ठंडे हो गए तो उसको भी काट के रख दिया है। अब हम गरम तेल के अंदर राई और जीरा डाल के थोड़ा भूनेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। अब हम इसमें लाल मिर्ची, जो हम इसे बोरिया मिर्चा कहते हैं, वो डालेंगे। उसी के साथ में हम तिल डालेंगे। इसमें तिल ज्यादा जाते हैं, राय भी ज्यादा जाती है, और उसी के साथ में हम करी लीव्स का चूरा डाल देंगे और सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम सभी मुठियों को इसमें डाल देंगे और शैलो फ्राई कर लेंगे, या तो आप इसे तड़का भी कहते हैं, तड़का में शैलो फ्राई भी कहते हैं। एक एक करके डालना है, सब साथ में डालने से टूट जाएंगे क्योंकि बहुत नाजुक रहते हैं मुठिया। इसके अंदर लौकी है, गोभी है पत्ते वाली, सिर्फ अगर मेथी के होते तो हम सब साथ में डाल के मिला सकते हैं। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, एक बाजू पकने के लिए, और बाद में हम पलट लेंगे। इसे थोड़ा हिला लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक एक करके पलट लेंगे। अभी फिर से थोड़ा घुमा लेंगे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल सॉफ्टली करना है, हमारे मुठिया टूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब इसे पलटेंगे दूसरी ओर। आप देखिए एक बाजू से पक गए हैं, थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं, ऐसे सब दोनों बाजू से हमें क्रिस्पी करना है। देख लेते हैं दूसरी बाजू। ये भी हो गए, अच्छे हो गए, काफी क्रिस्पी हो गए, कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है दोनों बाजू। अब हम इसे गैस बंद करके निकाल लेंगे और बाद में सर्व कर देंगे। हमारे पत्ता गोभी, लौकी और मेथी के मुठिया रेडी है, इसे हम अब सर्व कर देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसी के साथ में बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे पत्ता गोभी, लौकी और मेथी के मुठिया रेडी है, जो हमने सर्व किया है दही चटनी के साथ में, और गार्निश किया है फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट और धनिया पत्ती काट के। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही जल्दी बनते हैं। इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ दे सकते हैं, ऐसे ही ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, हाई टी में भी दे सकते हैं, खाने के साथ भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, हर तरह से अच्छा लगता है। इसे आप डीप फ्राई करके भी बहुत ही करारा बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।